शेफाली, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शेफाली की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो जरूर किया करिए। और आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल एकदम मस्त चकाचक। और अभी घर के ज़्यादातर काम नहीं हुए हैं, हाँ नहाना धोना ये सब हो चुका है। और आज मैं करने जा रही हूँ अपने मंदिर की क्लीनिंग, और थोड़ा से भगवान जी के कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और उसको अच्छे से तैयार करूँगी, क्योंकि कल है भगवान जी की शादी, शिव जी की, यानी कि महाशिवरात्रि है। तो हम लोगों का फास्ट रहेगा। आप लोग कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन कौन फास्ट रख रहा है, कौन कौन नहीं रख रहा है वो भी बताइएगा। और आज 28 तारीख 28 फरवरी रज के पापा का बर्थडे है, यानी कि मेरे पति देव का बर्थडे है। तो आप लोगों से चाहूँगी ढेरों खूब शुभकामनाएँ, उनको विश कीजिएगा, अच्छी अच्छी विशेष दीजिएगा। और ये वाले कपड़े मैं पहनाने जा रही हूँ, उनको प्रेस करने जा रही हूँ, क्योंकि रखे रखे क्या होते हैं ना, ऐसे दबा के ऐसे रखो, एक इतनी बड़ी अटैची बना रखी है भगवान जी के कपड़ों की, उनमें रख देती हूँ एक साथ, जब वॉश करती हूँ फिर जब निकालो तो थोड़े से सूख तो जाती है, वैसे पहनाने अच्छे नहीं लगेंगे। तो प्रेस गर्म हो चुकी है और मैं करूँगी इनको प्रेस। और ये मैं फॉल ले आई हूँ वाली साड़ी के लिए, क्रीम वाली के लिए, तो ये भी प्रेस करके बस इसको भी लगाओ। जब मंदिर मंदिर क्लीन हो जाएगा, घर के सारे काम हो जाएंगे, रज के पापा ऑफिस चले जाएंगे, मैं भी कुछ खा पी लूँगी, दोपहर में फिर से आराम से ये काम भी कर लेंगे अब। तो फटाफट से प्रेस करती हूँ, प्रेस करने के बाद मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरे भगवान जी आज कैसे लग रहे हैं। तो अभी देखिए मंदिर मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है, अच्छे से सारे भगवान जी क्लीन कर दिए हैं और सारा मंदिर ही क्लीन किया है और कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। तो ये वो बाल्टी है जिसमें घी रहता है, तो ये ख़त्म हो रहा था तो इसको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, तो जब घी आएगा तो इसी में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम तिल के तेल का दिया ही जला रहे हैं। और ये वो कंकू है हमारे इधर, मतलब यहाँ पर तो सिंदूर बोलते हैं, शायद उज्जैन में कंकू बोलते हैं, तो लाल वाला कंकू के नाम से ही बिक रहा था ये, और पीला, दोनों तरह के मैंने लिए थे, पूजा में भी काम आ जाएगा। तो और ये मेरे शिव जी हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ना, जब मैं छोटी थी तो खेलते खेलते मुझे ये मिल गए थे और मैं इनको गणेश जी बना लिए मैंने, मतलब बचपन से ही, तो आज तक मेरे पास हैं वो, शादी के बाद भी मैं अपने पास ही रखती और शुरू से मेरे पास ही हैं ये, और लक्ष्मी गणेश जी, माता रानी देखी कितनी प्यारी लग रही ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब भगवान जी को चमकाया नहीं है, बस ऐसे ही स्नान करवा दिया है, क्योंकि अभी जब होली आएगी तब इनको चमकाएंगे। और ये देखिए शिवलिंग है रुद्राक्ष वाली, तो ये हम महाकालेश्वर से लाए थे, ऐसे 3 लाई थी मैं, और इनके भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, यानी कि पूजा वगैरह नहीं की है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि वाले दिन इनको सही से अच्छे से इनका पूजा करेंगे, जलाभिषेक करेंगे अच्छे से, तब इसलिए अभी तक इनकी पूजा नहीं की है। और ये देखिए कितने खूबसूरत बने हुए हैं शिवलिंग है, ऊपर से सर्प भी है। और इस तरह से मैं 3 लाई थी, एक मैंने दीदी के लिए लिया है, एक अपनी फ्रेंड के लिए लिया है जो मैंने दे भी दिया है, दीदी का तो भी रखा है, जब कोई आएगा या जाएगा तभी दे पाएंगे। तो दीदी के मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं करूँगी, क्योंकि जब अगर एक बार हम पूजा कर देते हैं भगवान जी की किसी भी चीज़ की, फिर वो हम नहीं देते हैं, तो उनका ऐसे रख दूँगी अपने की कल जो शिवरात्रि है तो पूजा करूँगी। और यहाँ पर मैं दीदी वाला अलग ही रख देती हूँ शिवलिंग, और पूजा भी मैंने कर ली है, मंदिर की तरह क्लीन किया, भगवान जी को अच्छे से मिला धुला के कपड़े चेंज करा दिए हैं, और फिर उसके बाद पूजा कर ली है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा के रख दी है, और रात में मैंने उड़द की दाल भिगो के रखी थी धुली हुई, तो उसको पीसने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी सांभर बड़ा, तो दाल को पीसना है और मिर्च काट के नहीं डालूँगी, इसलिए मैं इसी में दाल को पीस दूँगी, तो फ्लेवर अच्छा जाएगा, मतलब स्वाद जो है, और एकदम से कहीं कटी हुई मिर्च आ जाती है तो बहुत तेज़ लगती है, तो इस वजह से नहीं डालूँगी, तो उसमें पीस दूँगी छोटी छोटी सी 4 मिर्ची हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है ये, और इसमें ऊपर से लाल मिर्च भी नहीं डालूँगी पीस के। देखिए मैंने एक बड़े कटोरे में लिया है, जिससे कि फेंटने में आसानी हो, दाल जितनी ज़्यादा फिटती है उतनी ही ज़्यादा फ्लफी और मुलायम सॉफ्ट हमारे बड़े आप बड़े बनाएंगे तो वो बनेंगे, चाहे पकौड़े बनाएं चाहे बड़े बनाएं, ये
यहाँ पर देखिए एक हाथ मेरा तो बिजी है, तो एक हाथ से ही मैं सारे अपने डब्बे वगैरह खोल रही थी। तो यहाँ पर नमक डाल दिया है, नमक बस दाल के हिसाब से थोड़ा सा मतलब कमी रखना है क्योंकि सांभर में भी होगा। और हींग डाल दूँगी, और यहाँ पर कसूरी मेथी मैं डालूँगी। हरा धनिया इस समय घर पर नहीं है और मतलब आया भी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो कसूरी मेथी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी डालने से क्या है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अधिकतर चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था, लाल मिर्च मैंने यहाँ पर नहीं डाली है इसमें, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाता तो नौ साल से बड़े बनाने हैं। तेल गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर दो तीन बड़े डाल भी दिए हैं, और एक साइड पर मैंने सांभर रख दिया है जो अच्छे से गर्म हो जाएगा उतनी देर में ही। और सांभर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, और लेकिन आज मैंने सांभर बनाया नहीं है। कल रात हम डोसा खाने गए थे तो उसमें सांभर मिला था, तो विराज ने डोसा तो खा लिया था लेकिन सांभर नहीं खाया है, तो वही सांभर है ये। एक्स्ट्रा मैंने लिया भी था क्योंकि मुझे था कि हाँ मैं बड़े बनाऊँगी, तो वैसे मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, तो काफ़ी मतलब बड़े के हिसाब का ठीक था। सुबह का नाश्ता हमारा अच्छे से इसी से हो गया है। और विराज के पापा आज जल्द मतलब लेट हो रहे थे तो खा कर नहीं गए, लेकर ही गए हैं। और नारियल की चटनी भी है, टमाटर की भी चटनी है साथ में। बड़े को निकाल के तुरंत गरम गरम ही मैंने सांभर में डाल दिए, जितना अच्छा ये भीग जाएगा उतना अच्छा फ्लेवर अंदर तक पहुंच जाएगा। इस तरह से मैं दबा लूँगी इसको, नीचे कर दूँगी ताकि सांभर जो है अच्छे से इसमें हो जाए। और तेल हमारा अच्छा से गर्म हो रहा है, तो दोबारा से भी मैंने पकौड़े डाल दिए हैं मैंने, और एक तरफ मैं टिफिन भी चेंज लगा रही हूँ इनका। और ये वाला जो टिफिन है ये प्रिंस वेयर का है, तो प्लास्टिक वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और एयर टाइट भी होता है तो, और थोड़ा बड़ा भी होता है तो खाने में ठीक रहता है। तो इसमें ही मैं इसमें लगा दे रही हूँ इनके लिए सांभर बड़ा, नारियल की चटनी और टमाटर की चटनी भी ऊपर से डाल दूँगी। और आप लोग शिवरात्रि कैसे मनाएंगे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा आप क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे या घर में पूजा करेंगे। हमारा तो अभी कोई डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, इस घर में करेंगे या क्या करेंगे, नहीं पता। और आज का दिन तो बहुत ही बिजी जा रहा है, लेकिन फिर मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि कल जो है ये वाला वीडियो आप तक पहुँच जाए। और ये देखिए नारियल की चटनी थी तो इसी पैकेट में मैंने थोड़ा सा छोटा सा शेप करके इसमें डाल दिया है, और एक तरफ मेरे बड़े भी सीख रहे हैं। दूध भी रखा हुआ है, दूध गर्म किया था लेकिन अभी विराज को दिया नहीं है, तो और चाय भी मैंने नहीं पी है अभी, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से इनको लगा दूँ और फिर आराम से फुर्सत में चाय पीऊँगी। और बस लंच पैक हो गया है, बड़े भी सीख गए हैं। अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम आया है कि तसल्ली से एक कप चाय पी ली जाए। तो चाय मैंने काफी देर पहले बना ली थी, इनको दे दी थी लेकिन खुद नहीं पी थी क्योंकि आज बर्थडे वाले दिन भी ऑफिस जाना है इन्हें, तो ऑफिस के लिए आज मैं बना रही थी सांभर बड़ा। मन था इनका खाने का तो रात में दाल भिगो दी थी, और सुबह दाल पीसना फिर सारी तैयारी जल्दी जल्दी और ये वो, तो मैंने कहा आज चाय में थोड़ा लेट पी लूँगी कोई ना जल्दी कर देती हूँ। और कल है शिवरात्रि तो मंदिर भी साफ किया है और आप लोगों को दर्शन भी करवा दिए हैं, तो कैसे लगे मेरे भगवान जी, मेरे क्या आप सबके भी भगवान जी तो सबके ही होते हैं, लेकिन थोड़ा अपना कहने में मतलब कहो ना तो ज़्यादा अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती ना, मेरे शिव जी मेरी राधा रानी, तो कैसे लगे जरूर बताइएगा। और सांभर बड़ा में इनके लिए जो पैक कर दिए हैं थोड़े से अपने लिए सांभर जो हुआ था ना, क्योंकि कल मैंने सांभर बनाया नहीं है, गए थे हम लोग डोसा खाने और विराज के लिए पैक करा के लाते हैं, तो एक पैकेट हमने एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि एक पैकेट में थोड़ा सा ही निकलता है, तो एक पैकेट एक्स्ट्रा रख लिया। और विराज तो सांभर खाता नहीं है तो सांभर था, फिर इनका सांभर बड़ा खाने का मन था, तो रात में मैंने कहा चलो घर में दाल रखी है भिगो दूँ, फिर रखी धुली रखी रखी है तो भिगो दी और सुबह बना लिए, और जितना सांभर था उसमें इनको भी पैक कर दिया है और अपने लिए भी रख लिया। और बाकी जो बड़े बने तो इनमें क्या करूँगी दही डाल के दही बड़े हो जाएंगे, तो ऐसे काम चल जाएगा। शाम को अच्छा अच्छा खाना ही बनाना है, क्या बनाऊँगी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और कल हम नर्सरी गए थे तो वहाँ क्या तो पता नहीं फ़ोन के चक्कर में वीडियो ढेर सारे हो रहे थे, वीडियो मारने चक्कर में मैंने
वीडियो एडिट करी, एडिट करी और इतने अच्छे से मतलब एडिट की थी यार, और ये मतलब इमोजी वगैरह लगा लगा के बहुत अच्छी वीडियो एडिट करी सर्दी से बड़े ही मन से। और वो वीडियो सेव करने के बाद मैंने सोचा चलो सेव तो हो गई है, जो ये इधर उधर मतलब खुद करके सारी वीडियो डिलीट कर देती हूँ, और डिलीट कर दी। और जो मतलब रिकवरी के लिए भी आता है नीचे कवर हो सकता है, तो वहाँ से भी मैंने डिलीट कर दी, वहाँ से डिलीट क्योंकि क्योंकि स्पेस नहीं हो रहा था, निकाल लेते तो स्पेस ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, और बड़ा दिमाग मेरा खराब, मैंने जो वहाँ से भी डिलीट कर दिया। और फिर भी जो मैंने वीडियो सेव की थी वो वीडियो चली गई, प्ले ही नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, रिकवरी भी नहीं है इन वीडियो की, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि जैसे जो वीडियो डिलीट हो जाते हैं वो कैसे आए, तो उसके चक्कर में 3-4 मैंने ऐप डाउनलोड किए, हर ऐप से देख रही हूँ, लेकिन कोई भी ऐप काम नहीं की उस वीडियो को, मतलब कोई भी रिकवर नहीं कर पाया, और वो वीडियो रिकवर नहीं हुई। इतनी अच्छी नर्सरी की वीडियो बनाई थी, और नर्सरी की भी थी, और सैटरडे शाम को मैं छत पे थी तभी मैंने सर्च किया था, और कपड़े धोते धोते बहुत ही अच्छी वीडियो मतलब थी, 13 मिनट के सेकंड की थी, और उसको मतलब टाइम काफ़ी लगा मुझे अच्छे से मैंने किया, लेकिन क्या करें मेहनत सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई, और जो जो चीज़ें मैं आपको नर्सरी की दिखाना चाहती थी तो वो सब कुछ भी नहीं दिखा भाई, कुछ भी नहीं। तो कल से मूड भी मेरा इसी वजह से ख़राब हो गया, और मन नहीं था आज वीडियो शूट भी नहीं करने का, ऐसा मतलब बस रहने देते, कुछ नहीं करते बहुत मतलब अजीब तरह का बहुत अच्छा है, चाय गर्म कर विराज को भी दूध नहीं दिया है, तो बस इतना ही ब्लॉग, और इसके आप आएंगे आज क्या क्या होगा, अभी तो ये चले गए और रात में लेट ही आएंगे, तो गर्मा गर्म पकौड़ा इसमें जो हरी मिर्च मैंने पीस के डाली उसका टेस्ट मतलब काफ़ी अच्छा रहा है, जो बाकी में मतलब बहुत ज़्यादा मसाले डाले रहते थे थोड़ी सी ग्रीन से भी अच्छा लगता है, और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डाला है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कसूरी मेथी पड़ी है, हरा धनिया नहीं था, हरा धनिया क्या होता है एक दिन लाती हूँ और रखा रहते वो ख़राब सो जाता है, और फिर देखा जाता है पकौड़ी एकदम गर्म फूके देंगे बस कर दिया जल्दबाजी में अपने काम ही लेट हो जाते हैं, फिर चाय छोड़ दो अपना खाना छोड़ दो, लेकिन हस्बैंड और बच्चों के जो है वो जल्दी जल्दी उनका टाइम पे होना चाहिए सब कुछ, खुद की वजह से चाय जितना लेट होता है, नाश्ते में लेट नहीं होना चाहिए, लंच में लेट नहीं होना चाहिए, इतने बच गए तो चाय के साथ नहीं खाऊंगी, इनमें दही डालूंगी, का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है जो भी बना है थोड़ा बहुत कैसा लगा है मुझे जरूर बता दीजिएगा, तो मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना, तो अधिकतर आई रहे मेरी वीडियो, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कैसे कहते हैं ना, बाय।